एम्बुलेंस हुई हादसे का शिकार, टकराई डिवाइडर से। हादसे में जो जीवन रक्षक का काम करती है वो खुद हादसे का शिकार हो गए। आसान लोगों की माने तो बीती रात एम्बुलेंस लगभग 2 बजे अनियंत्रित होकर सलेहा रोड राणा कॉलोनी के सामने बनी हुई डिवाइडर से जा टकराई, जो कि बुरी तरीके क्षतिग्रस्त हो गई, जिसमें चारों तरफ खून ही खून नजर आ रहा है। जिला एम्बुलेंस ठेकेदार मुलायम सिंह द्वारा बताया कि एम्बुलेंस में पायलट वीरेंद्र कोरी, जिसे अंदरूनी चोट आई है, और EMT राम अवतार के दांत टूट गए। ताड़ी में चोट आई, जिसके संबंध में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवेंद्र नगर CHMO अभिषेक जैन के द्वारा भी बताया गया कि जानवर को बचाने में एम्बुलेंस दुर्घटना हुई। ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं एम्बुलेंस, जो दूसरों को एक्सीडेंट में जीवन रक्षक बनती है, आज वो खुद एक्सीडेंट का शिकार हो गई है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, एम्बुलेंस बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, साथ ही साथ उसमें चारों तरफ खून पड़ा हुआ है। इसका मतलब या तो वहां पर किसी को बचाने के चक्कर में हादसा हुआ है, या तो नशाखोरी के चक्कर में हादसा हुआ है। जैसा कि हम अपने कैमरा के माध्यम से दिखा रहे हैं, एक्सीडेंट बहुत बुरा हुआ है और स्थानीय लोगों के अनुसार बताया गया है कि रात को लगभग 2 बजे के समथिंग एक्सीडेंट हुआ है। आइए हम दिखाते हैं कुछ खून के डब्बे पड़े हुए यहाँ ढेर सारे, और एम्बुलेंस की हालत। ड्रॉप कर लियो, थोड़ा ना खून लगा कर दियो। ड्रॉप करा दे जो लंबी लंबी ना लगी। हॉस्पिटल में गया था और वहां से उनको जो है जिला अस्पताल के लिए भेजा गया है। केवल बस दांत टूटने की वजह से, मतलब मुंह से ब्लड आया है। लेकिन जो अभी हमको अस्पताल से खबर मिली कि उसके दाढ़ी पे भी कांच गड़ा है, जिससे बहुत ज्यादा ब्लड निकला हुआ है, उसके संबंध में आप क्या कहेंगे? नहीं, थोड़ी सी चोट तो है, अब वो दांत टूटने की वजह से ही मतलब ब्लीडिंग हुई है। जैसा कि लगता है कि मतलब झटके के साथ डैशबोर्ड में टकरा गया हो, जैसे उसके दांत टूटे हैं। चोट आई है केवल EMT को, मुंह से मतलब दो दांत टूट गए हैं, उससे थोड़ा सा ब्लीडिंग हुई है बस। अभी आप लोकेशन पे गए हैं? हाँ मैं। लेकिन आप लोकेशन पे गए होंगे तो जिस हिसाब से वहाँ पे ब्लड पड़ा हुआ, उस हिसाब से ये नहीं कह सकता कोई भी मामूली चोटें आई? नहीं, मैंने देखा है और वो उसकी मेरे पास फोटो है। बचाने के प्रयास में गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। इसमें किसी के हताहत होने की खबर है क्या? नहीं नहीं, पेशेंट गाड़ी में नहीं था, पेशेंट को लेने ये लोग जा रहे थे, केवल बस गाड़ी में नुकसान हुआ है, बाकी थोड़ी सी चोट आई EMT को। लेकिन जिस हिसाब से गाड़ी के आसपास ब्लड है, उस हिसाब से तो लग रहा है कि बहुत ज्यादा चोटें आई, बहुत ज्यादा मेजर कंडीशन है गाड़ी की भी। जो रात को कल लगभग 2 बजे के लगभग एम्बुलेंस एक्सीडेंट हुई है, वो आपके ठेके में है क्या? हाँ। कैसा क्या हुआ हादसा? गाड़ी अपनी बेस लोकेशन देवेंद्र नगर हॉस्पिटल में खड़ी थी, तो उनके पास करीब 1:30 के समथिंग कोई कॉल आई कि इटवा करैया का कोई पेशेंट है जो एम्बुलेंस के लिए कॉल किया है। तो वो लोग अपना मुंह धुलने के बाद गाड़ी के लिए, क्योंकि ये माथे में चोट लगी हुई थी और चेहरे में चोट लगी हुई थी, एक रामोतार था और एक ड्राइवर रामोतार था, और दूसरा था बीरेन सिंह। दो ड्राइवर बीरेन सिंह को थोड़ी चोट कट घाव लगा हुआ था, जिसके कारण से ऐसा लग रहा होगा मतलब ब्लड बह गया हो, परंतु मेजर चोट नहीं थी। बचाने के चक्कर में इन्होंने डिवाइडर से मार दिया है। दोनों को मामूली चोटें आई हुई हैं, जिनका इलाज देवनगर अस्पताल में किया गया है। कुल मिलाकर इतनी ही घटना मुझे पता है अभी तक। जैसा कि अभी हम लोग जब वहाँ पर न्यूज लेने के लिए पहुँचे, तो वहाँ पर चारों तरफ बहुत ज़्यादा ही ब्लड पड़ा हुआ था, उस हिसाब से तो लगता है कि बहुत ज़्यादा चोटें आई होंगी। जैसा कि बीती रात एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हुआ, उसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रात के करीब 1:30 बजे की घटना है, जिसमें एक कोई इवेंट आया हुआ था, जो देवनगर की 108 एक्सप्रेस थी, उसमें पायलट था, सहयोगी भी था, दोनों करहैया का केस लेने जा रहे थे उसी समय।